नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस एग्जाम रिजल्ट के बारे में। ठीक है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। तो प्लीज़ गाइज, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। और वीडियो को हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए अदर स्टूडेंट के साथ, ताकि वो भी इन्फॉर्मेशन जान सकें। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अदर और कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको मैं इस चैनल पर दूं तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो रिजल्ट से रिलेटेड और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट rkli.in पे आप आ सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, या फिर आप कहीं भी गूगल पे भी आके आप यहाँ पे जस्ट rkli.in सर्च भी कर सकते हैं। और आप जैसे ही rkli.in सर्च करेंगे तो यहाँ पर देख पाते हैं आज तक की जितनी भी सरकारी नौकरी है उनसे रिलेटेड। और इसके अलावा रीट भर्ती और राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की एग्जाम डेट से रिलेटेड आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम के रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आपको इन लिंकों के जरिए आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम के रिजल्ट चेक कर पाएंगे। बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम पेपर और एडमिट कार्ड के बारे में। तो अगर आपको एडमिट कार्ड और एग्जाम पेपर के बारे में अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको इस लिंक पर क्लिक कर लेना होगा। बात करें अपन राजस्थान पुलिस के रिजल्ट के बारे में, तो आपको लिखना है सर्च बॉक्स पर आके राजस्थान पुलिस 2020 और आपको सर्च बॉक्स पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस सर्च बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ये मिल जाती है। यहाँ से आप डायरेक्टली चेक कर पाएंगे रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कट ऑफ को लेकर के। ठीक है, तो मैं इस फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करने से पहले बता दूँ इसकी जो कट ऑफ है क्या रहने वाली है। ठीक है, कट ऑफ में 1/1 करके आपको जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कट ऑफ है वो आप यहाँ से देख सकते हैं डायरेक्टली। आपको प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का नेम, यहाँ पर जनरल OBC SC और ST की कट ऑफ मिल जाएगी। ठीक है, और ओवरऑल अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो वो भी आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। ये देखिए यहाँ पे आपको प्रत्येक कैटेगरी का नाम दिया है और उसके अलावा आपको ओवरऑल कट ऑफ का भी यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तो अगर इस कट ऑफ के अंदर या फिर इस कट ऑफ से अगर आपके 4 से 5 नंबर अगर कम भी आ रहे हैं तो आप जो है अपने फिजिकली तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल के अंदर समय बहुत कम दिया जाता है पुलिस विभाग की ओर से। ठीक है, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप पा सकते हैं। बात करें रिजल्ट की तो रिजल्ट के लिंक पर आपको उस लिंक पर क्लिक कर लेना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपन देखिए सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये देखिए, ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि इसकी जो एग्ज़ाम है 6, 7, 8 नंबर का आयोजित करवाई गई थी। अब रिजल्ट को लेकर के अपन करना है राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम चलते हैं, विजिट नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे अपन इस लिंक पर क्लिक करेंगे वहाँ पर देख पाते हैं राजस्थान पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो देखिए आपके सामने ये खुल चुकी है। ठीक है, यहाँ पर अपन देख पाते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो आई हुई है ये उप निरीक्षण की SI की इन्फॉर्मेशन आई हुई है। ठीक है, और इसके अलावा अभी तक इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। ठीक है, और इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन थी वो वहाँ से हटा दी है। रिजल्ट को लेकर अगर मैं बात करूँ तो रिजल्ट जो है आपका जल्द ही जारी होने वाला है। मेरे ख्याल से जो है 5 से 6 तारीख के बीच बीच में आपका जो रिजल्ट जारी हो जाएगा, या फिर आप जो है रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ही आज शुक्रवार हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीक है आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो सकता है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास आई हुई है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आपसे कि जल्द परीक्षा परिणाम तैयार करने में जुटा विभाग। ठीक है, तो विभाग को भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है परिणाम जल्दी से जल्दी देने के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक जो है आपका परिणाम जो आंसर की जो रिजल्ट है आपका 100% लिया जाएगा। ये बात अब मान लीजिए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आपको फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, तो फिजिकल की जो आप तैयारी स्टार्ट करना कर दीजिए, रिजल्ट का इंतजार मत कीजिए आप। ठीक है, अगर आपके कट ऑफ के अंदर नंबर आ रहा है तो आप उन्हें फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो वीडियो को हो सके तो जितना ज़्यादा दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।